नमस्कार शुभ सकाळ मॉर्निंग वॉच को स्वागत करुछि माथुरी प्रथम हेडलाइंस आज कोरोना टीकाकरण शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री आरंभ हो विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण कार्यक्रम प्रथम दिन में देशर प्राय 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी को दिजिव टीका राज्य में प्रथम दफार टीका ने 1,92,000 स्वास्थ्यकर्मी 161 केन्द्र में प्रस्तुति 18 वर्ष कम वयस्क व गर्भवती टीका बारी नयगढ़ नाबालिका हत्या मामलें धरा पड़ा राज्य सरकार को बड़ मिछ एसआईटी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट में पहुंची सरकार को चिठी सूचना अधिकार बल से खोलला राज्य सरकार को फोन प्रश्न घेर कैप्टन स्वतंत्र सचिव बाला चिठी डीजीपी मुहर मिछ कहले सरकार विधानसभा एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड कहु स्वाधिकार भंग नोटिस बीजेपी दावी कांग्रेस भी बर्षिला विरोधी प्रश्न बीजेपी मंत्री प्रताप जेना सुरक्षा कवच किए आईन मंत्री विरोध में 302 भली संगीन दफा हेले हाथ मारूनी पुलिस मंत्री को तदंत परिसरभुक्त मंत्रिमंडल बहिष्कार दावी कर आदर्श विद्यालय खोल नुआ कमर्स स्ट्रीम 2021-22 शिक्षा वर्ष राज्य में 30 आदर्श विद्यालय खोल कमर्स विभाग स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्ष विधिवत विज्ञप्ति आसिया संपूर्ण खबर को आज सारा देश में आरंभ हो टीकाकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकाल 10:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया टीकाकरण अभियान आरंभ करेंगे। समय समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल मोट 2006 कोरोना टीका सेंटर जोड़ी हो अवसर में प्रधानमंत्री कोविन बा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क आप्र शुभारंभ करेंगे। जो माने एही टीका नेबे सेमाने एही आप जरिया प्रथमे पंजीकरण करेंगे। आधार कार्ड पान कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस भली 12 दलिल माध्यम रे पंजीकरण करा जिवो। एही टीका जरिया सरकार स्टॉक बाबत तदारक करेंगे। प्रथम दिन में प्राय 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी को 2,934 केन्द्र में टीकाकरण करा जिवो। प्रत्येक टीकाकरण अधिवेशन रे सर्वाधिक 100 जन टीका नेबे। इन अधिक सूचना पाई आम सहित दिल्ली प्रतिनिधि गगन विशाल जोड़ी रही। गगन आज सारा देश में आरंभ हो टीकाकरण जो मुहूर्त को अपेक्षा रही है से ही मुहूर्त आई समय पर अंत ही घटवाक जाऊँगी तो जानवाक चाहबू यही टीकाकरण अभियान केतेबेले आरंभ हो एवं कौन सब प्रस्तुति रही। देखो माधुरी निश्चित भाव सारा देशर जो उत्कंठा था से उत्कंठा आज मानने से उत्कंठार अंत घटी समस्त जो आशा उद्दीपना था से उद्दीपना को आज चूड़ांत रूप देवाक जाऊँ भारत सरकार तेनाली भाव भारत सरकार पक्ष पूरा प्रस्तुति हो सारी आम कहीपरू बर्तमान कहीं पूर्व ड्राई रन है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जरूरी बैठक कले और ग्रीन सिग्नाल दे परवर्त पर्यायर आम देखिले विभिन्न जो स्टेट रो भैक्सीन सेन्टर रही सुरक्षित भाव में भैक्सीन गुड को पहुंची दी सारी दिल्ली पल्ली बर्तमान सबुठी बेस उत्कंठा रही कहीं समस्ते आशा अपेक्षा करते कोरोना लड़ई में कि भाव भारत सरकार जो स्टेप नहीं तार सफल मिल बर्तमान से सफल मिली आम कही पार से जो समस्त उत्कंठा थिला 16 तारीख सकाल से सकाल बर्तमान आसी सारी मात्र किसी समय अपेक्षा रही घंटे 2 घंटा पर प्रक्रिया आरंभ हो प्रधानमंत्री निजे लोक मान सहित आलोचना करेंगे खास कर जो हेल्थ वर्कर्स मैंने भैक्सीन ने प्रक्रिया आरंभ हो नुआ दिल्ली एम्स जो रही केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री को हर्षवर्धन कथा कहतु बा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ये पूरा घटनार जांच करेंगे और सारा देश जदि कहे 3,000 जो 6 वैक्सीन सेंटर कराई पाखापाखि प्रथम पर्यायर आज जी आम कह 3 लाख हेल्थ वर्कर को ये प्रथम डोज बा प्रथम टीकाकरण दिजिव या पूर्व अनेक जगार देखाई जो रही जातीय गणमाम अनेक जो सांबादिक मैंने से प्राइवेट भाव में किणिक लगे सारे से बडी देख मात्र गोटे अनेक जगार देखा बा खबर आसीय गणमाम से हालाका ज्वर होने ये नहीं कि सरकार लोक मान रिक्वेस्ट कर हेल्थ वर्कर मान रिक्वेस्ट कर जो मैंने भैक्सीन ने परवर्त पर्यायर सीधा साल डॉक्टर सहित कंटाक्ट करेंगे और अध घंटा पर्यंत रहीबार व्यवस्था कराई कहीं जिते बड़े ये भैक्सीन टी क्या कोरोना महामारी जो से महामारी को जेहतु टाइम ये भैक्सीन टी तैयारी कराई तो निश्चित भाव बॉडी रो किसी रिएक्शन देखादेव तेनाली नहीं कि कौन भयभीत होबार चा
ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରୀ ଆଜି ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେବ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ହୁଏତ ବୁଲେଇ ପାରେ, କାହାକୁ ହାଲକା ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବେଶ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଭାରତ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ମୋହର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ମେସେଜ ଯିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଟିକାକରଣ ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ QR କୋଡ୍ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେଣି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟିକାକରଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି 9-5 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି 1075 ଯୋଉ ରହିଛି ନମ୍ବରଟି 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଲ୍ ସେଠାରେ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.  ଯଦି କହିବେ 1,65,00,000 ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ 2 କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କିଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୋଗକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯାହାକି ଆମେ ଆଶା ରଖିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 1,92,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 161 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଶା କରିଛି ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ତେବେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 14 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର 5-8 ସପ୍ତାହ ପରେ ଟିକା ନେଇହେବ। ଅପରପକ୍ଷେ ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଥିଲୁ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଟିକା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଦୂର ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁନେରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ CISF ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 16 ତାରିଖରୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ତା ସହିତ 161 କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି 161 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ଆଜି ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 6 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମାନେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟିକା ନେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଞ୍ଜୀବକୁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ଟି ରହିଛି, ଏ ବ୍ୟାନର୍ରେ ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁପରି SMS ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ QR କୋଡ଼ ରହିଛି ସେଇଟା ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ SMS-ଟି ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଟିକା ନେବା ପରେ ଯେଉଁ 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ DL କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତା ସହିତ
जहाँ घोषणा होता जे प्राथमिक पर्यायर 191,000 पाखापाखि जो मैंने रही कोविड वॉरियर्स जो मैंने हेल्थ वर्कर रही जो मैंने महामारी कोरोना समय रे जो काम करते आगधाड़ी जो मैंने योद्धा कहूँ से निजित जो 10:30 जो कन्फरेन्स इनाग्रेसन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तापर ये टीकाकरण कम आरंभ हो माधुरी जेहेतु सुशांत ये हूँ गोटे टीकाकरण जो कहीं पूर्व आम देखी जिते टीका नि जाए तो कौन सी किसी ना कि गोटे साइड इफेक्ट थाए तो वर्तमान समय या कि कौन आशा कर कौन से कौन साइड इफेक्ट रही आशा आशंका देखा दे निहत भाव आप देखु एम्स रे निर्देशक सी कहते एटा को डरबार आशा ना कारण ये टीकाटी रही मानने स्वदेशी टीका सहित अगर कौन देश टीका को अणा जाए ना सहित मुझक आउ गोटे कथा कही रखुची जदि जो मैंने टीका नेपर 30 मिनट ये अपेक्षा करने को कहुचे जो पाखे किसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा तेबर तुरंत चिकित्सा करशेष भाव मान जन जन को टीका नाला थंडा देखा जाए कि ज्वर देखा जाए जदि से किसी अघटन घटे तेज सांगे सांगे तुरंत चिकित्सा करने को व्यवस्था कर देखा सीधा साल दृश्य देखुता जो भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल परिसर आप देखु ये जो सेंटर जो रही आज ठार् जो टीकाकरण केन्द्र हम ये कोविड 19 वैक्सीनेशन सेंटर सीधा साल दृश्य आप देखुंत आज जो प्रधानमंत्री इनाग्रेसन करापर यू टीकाकरण आरंभ हम ता सहित या मिसई कैपिटल हॉस्पिटल को मिसई भुवनेश्वर पांचटी कार्यक्रम में पांचटी स्थान में टीकाकरण व्यवस्था होता सहित विभिन्न प्रकार अन्य सब व्यवस्था कर जो मैंने आप देखिपे जो मैंने प्रथम टीका नहीं सारे से वेटिंग करने गोटे मानने स्थान कर 30 मिनट से अपेक्षा करेंगे जदि तर कि पार्श्व प्रतिक्रिया है कि मानने असुस्थ से अनुभव कले व्यवस्था कर सहित अगर सब व्यवस्था सठिक रूपे सुचारू रूपे किमी संपादन होबूपाई पूरा कड़ा तत्पर अच्छा विभाग समस्त तत्पर रही जेहेतु आ किसी समय अपेक्षा रही है किसी समय पर ही अपेक्षार अंत घटव प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचना। आसे परवर्ती खबर को परी हत्या प्रसंग रे बड़ खुलासा राज्य सरकार का पोल खोलिले सूचना अधिकार कर्मी कोर्ट मॉनिटर्ड नुहे एसआईटी जने सिटिंग जज को द्वारा मामलार तत्वावधान पाई हाईकोर्ट को कौनसे चिठी लिखि नहांति राज्य सरकार ए संपर्कित कौनसे चिठी हाईकोर्ट रे पहुंची नथिबा कहिसेंति कोर्ट सूचना अधिकार आईन बल रे एही तथ्य मिलिछि एभली करे राज्यवासी को धोखा दैछेंति राज्य सरकार। परी हत्या मामलें राज्यवासी को धोखा परीर बापा माँ को ठकीदेले कि सरकार सूचना अधिकार तथ्यरु महाखुलासा हाइकोर्ट मॉनिटर्ड पाई सरकार चिठी पाईना कोर्ट कोर्ट को स्वतंत्र सचिव लिखिता चिठी ड्रामा किए केस कोर्ट मॉनिटर्ड कही मिछ कहीना कि डीजीपी नजर पकातु नवंबर 28 रे राज्य सरकार स्वतंत्र सचिव संतोष बाला हाइकोर्ट रजिस्ट्रार को लिखिता एक चिठी उपरे परी हत्या मामलें हाइकोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी तदंत अनुरोध कर सरकार किंतु सूचना अधिकार आईन रे बलांगीर हेमंत पंडा मगाई तथ्य को देखु हाइकोर्ट को एडिशनल डेप्युटी रजिस्ट्रार उत्तर रखिंट परी हत्या मामलार तदंत गठित एसआईटी मॉनिटरिंग हाइकोर्ट सिटिंग जज नियुक्ति नहीं राज्य सरकार कौन अनुरोध मिलना संतोष बाला बड़ प्रश्नवाची स्पष्टीकरण रखे कि बाला चिट्ठी न पठाइबापी दिया जाइला कि निर्देश सन्देह गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र परी न्याय लड़े को हर कैप्टेन युद्ध किए गत 6 तारीख 6 जनवरी सुधा राज्य सरकार कौन सी चिट्ठी मान्यवर हाइकोर्ट हस्तगत होना स्वतंत्र अनुसंधानकारी दल मान्यवर कार्यरत विचारपति अधीन रे तत्वावधान रे मॉनिटरिंग रे बोली जहां सरकार घोषणा करथिले सही चिठी आज पर्यंत मान्यवर हाईकोर्ट पाई नहांती राज्य सरकार राज्य सरकार
जो चिठी लिखा कथा चिठी लिखि ना सीधा सड़क भाव राज्य सरकार एत बड़ गोटे मर्मस्पर्शी घटना रे राज्यर जनसाधारण को सीधा सड़क भाव ठकी देखते राज्य सरकार हाइकोर्ट कार्यरत जड़े सिटिंग जज अधीन रे स्वतंत्र अनुसंधानकारी दल गठन करवा जहाँ घोषणा करते नहीं राज्य सरकार भुआ बुले अर्गस जो प्रश्न प्रथम उठाई थिला एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुहे कैप्टन मॉनिटर ताहा स्पष्ट हो एबे नजर पकांतु पुलिस डीजी अभय प्रेस रिलीज उपरे एथरे उल्लेख रही परी केस कोर्ट मॉनिटर अर्थात डीजीपी भी मिछ कहीना किए क्या बचाई ए षड्र सरकार कौन लुचाइवा चाहते कोर्ट मॉनिटर होगापी डर कहीं समय गड़ाइवाई कोर्ट मॉनिटर ड्रामा किए स्पष्टीकरण देवे किए कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र विधानसभा भितरे घोषणा सांविधानिक प्रतिश्रुति विधानसभा मिछ कह स्वाधिकार भंग मंत्री अरुण साहू संपृक्ति चिंतित कि राज्य सरकार दागे मंत्री को बचाई भुआ बुला षड्र किए परिवार सह यह धोखा नुहे किए चिठी दे उत्तर पर कोर्ट सह कहीं कथा हो नाने सरकार आदौ चिठी पठाई नहांती यही षड्र मास्टर माइंड किए गणतंत्र आलोचना माध्यम चले प्रश्न पचारे मुह बुलाई कहीं दौड़ कैप्टेन एवं कैप्टेन को देवाक पड़ स्पष्टीकरण बलांगीरु तरुण साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नयगढ़ जदपुर कुनी झी हत्या मामलें सरकार का बड़ मिछ धरा पड़ा पर हरण घणारे राज्य सरकार एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुहे बोली स्पष्ट होगा पर सरकार विधानसभा कहता मिछ पर स्वाधिकार भंग नोटिस आजेपी कांग्रेस भी राज्य सरकार को ऊपर बर्षि विरोधी प्रश्न बाण से निरुत्तर बीजेपी परी हत्या मामलें सरकार डीजीपी मुहर भी कवा जा हाइकोर्ट में पहुंची ना सरकार चिठी स्वाधिकार भंग नोटिस बीजेपी दाबी आरटीआई तथ्यरु खुलासा होई कोर्ट मॉनिटरिंग स्वतंत्र सचिव संतोष बाला लिखिता चिठी पहुंची ना हाइकोर्ट पाखे जाणीशु ये षड्र कर प्रसंगे राज्य सरकार को उपरे बर्षि बीजेपी राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार से अभियोग कर राज्यवासी को भ्रमित करीजीपी मुहरें मिछ कई हाइकोर्ट ना ठकी राज्य सरकार विधानसभा कोर्ट मॉनिटर कथा कहु स्वाधिकार भंग नोटिस दाबी करिसंती लेखाश्री पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक सरकार को समालोचना करिसंती मिछर जो पहाड़ उपर राज्य सरकार आज ठिया होती मिछर पहाड़ उपर जो ये तदंत को ठिया कर मुख आज ओडिशावासी आगे खोली ओडिशावासी को बारंबार राज्य सरकार तांकर वरिष्ठ अधिकारी माने परी तदंत मामलें धोखा दे मिथ्या कही एवं विधानसभा भितरे बाहर गणमाध्यम आगे डीजीपी मुहरु एवं कोर्ट को लेकि भी मिछ कह पछघुंचा देना सर्वप्रथमे तो विधानसभा मिछ कही हेतु आमे दाबी करुचु जे तुरंत स्वाधिकार भंग नोटिस ना आसवर आवश्यकता रही द्वितीय शासक दलर मंत्री नेता सांसद मुखपात्र माने बारंबार ए तदंत कोर्ट मॉनिटर्ड बोली कही आसी जोटा एबे असत्य बोली प्रमाणित होउछ तृतीय डीजी पुलिस को लगे करी डीजी पुलिस मध्य गोटे लिखित प्रेस रिलीज रे कहिले जे एसआईटी तदंत होउछ कोर्ट मॉनिटर्ड ए भली मिथ्या सूचना लोकों आगे दबापी नारे दृढ़ कार्यानुष्ठान आम दाबी कर सरकार जदि से विषय हाइकोर्ट को रिक्वेस्ट नक आसेम्बली से सत्य प्रकाश करना तेणु जदि सत्य होता है तो दुखदायक घटना नहीं एपरी करवा जुक्तियुक्त नुह सेपटे पुणा कथ कही पुणी थे भुआ बुलाइवा चेष्टा करजेडी कोर्ट एसआईटी तदंत संतोष व्यक्त कर किंतु कोर्ट को पाखरे काहीं चिठी पहुंची ना तार उत्तर ना दलर मुखपात्र लेलेन महांती संतोष बाला चिठी कुआडे गला
किए चाप पकाइला काहीकि कोर्ट मॉनिटर एसआईटी को सरकारक भय तार उत्तर नाही बीजेडी पाखरे ये कोर्ट मॉनिटर नुए सरकार गठित ताहा भी प्रमाणित हो सारी जहाँ को नहीं पुणी सरकार को टार्गेट करिछि बीजेपी परिस संक्रांतीय घटनार अनुध्यान निमन्ते विधानसभा रे राज्य सरकार कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी पाई कहिथिले मान्यवर हाईकोर्ट को अवगत करिबा सह एसआईटी गठन हेला एवं ए संबंधीय एक चिट्ठी मान्यवर हाईकोर्ट को प्रदान करा गला आईन अनुजाई कोर्ट रो तत्वावधान रे एही एसआईटी कार्य करु बोली राज्य सरकार मान्यवर ओडिशा हाईकोर्ट को चिट्ठी मध्य पठाइचंती एसआईटी द्वारा होइथिबा तदंत प्रक्रिया रो अग्रगति संपर्क रे मान्यवर उच्च न्यायालय संतोष प्रकट करिचंती अभियुक्त को दंड दवापाई हेले पनिशमेंट दवापाई हेले जो सफिशिएंट प्रमाण तंका पाखर थिला बोली एसआईटी का पाखर थिला बोली जो बारंबार दोहरौथिले माननीय अरुण पत्र साहेब आज प्रमाण हे जाई छि तंका पाखर कोनसी प्रकार प्रमाण नाही किंतु खाली गोटे कथा टाक गुमराह करिया पई जो आंदोलन नयागढ़ चली थिला गोटे विराट गोटे आंदोलन से आंदोलन को चपाई देवा पई प्रशमित करिया पई ये गोटे अभिनव प्रयास नवीन सरकार का बोली आमे कहिबु धरा पड़ी जाई छि राज्य सरकार का बिछ परी घटना को चापी देवार षड्यंत्र खुलासा पर एवं गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र केबे जवाब रखिबे ता उपरे नजर ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज मंत्री को सुरक्षा कवच किए आईन मंत्री प्रताप जेना विरोध में लगी 302 भली संगीन दफा किंतु हाथ मारुनी राज्य पुलिस मंत्री को किए दे सुरक्षा कहीं तदंत परिसरभुक्त जहाँ को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी मंत्री को तदंत परिसरभुक्त सह मंत्रिमंडल बहिष्कार दावी कर बीजेपी जो मृत्युबरण कले आम दुईज संग्रामी नेता से एफआईआर क्या ना आईन मंत्री ना ल मिनिस्टर ना आस जो प्रदेश में ल मिनिस्टर संतृप्त रही हत्यारे आटा आम कहूनु यहाँ एफआईआर कौच आपण कहतु से राज्य में आईन व्यवस्था केमती बनिक रे राज्य आईन व्यवस्था बरकरार केमती र मंत्री प्रताप जेना विरोध में दफा 302 हेले हाथ मारुनी राज्य पुलिस महांगा नृतांग डबल मर्डर घटना रे 13 नंबर अभियुक्त भावे मंत्री रही हेले मंत्री को क्यों अदृश्य शक्ति देउची सुरक्षा आउ कहा सुरक्षार कवच पिंधि थिबारो मंत्री को तदंत परिसर भुक्त करा जाउ नाही एहा को नै प्रश्न उठिछि बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास महादुर्नीतिर गुमर खोलिथिबा हेतु बीजेपी नेता कुलमणि बराल व दिव्य सिंह बराल को हत्या कराइथिबार आसी संगीन अभियोग सेपटे डीजे नेइथिबा समय गड़ी गड़ी चलिथिबा बेले केबे जेरार सम्मुखीन हेबे मंत्री प्रताप जेना ताकु नै प्रश्न उठाइछि बीजेपी सेपटे मंत्री को तदंत परिसर भुक्त करबा सह तुरंत मंत्रिमंडल बहिष्कार करबाकु दाबी करिछन्ति विरोधी दल नेता प्रधानमंत्री आवास योजना चोरी होउछि चोरी को धरिले हत्या करा जाउछि ये वर्तमान राज्यर जो संगीन स्थिति हेछि एथिरे विशेष करी गरीब लोक मानंकर क्षति होउछि ये कथा जो माने उठेले महांगार फलस्वरूप दुई जन लोकंकर मृत्युवरण हबार सम्मुखीन हबार कथा आपण देखिले एवं ये कथा रे मंत्री मध्य नाटा तांको ना केस रे थिबा कारण दाय तांको केस रे तालिका रे ना थिबा कारण तांको जेरा करा जाउ तू प्रचार कहार हो कहार न हो सेटा महत्वपूर्ण नु गरीबंकु ता अधिकार मिलु गरीबंकु अधिकार रो वंचित रखिले जो माने करप्शन विरुद्ध रे तांकर वॉइस टाक उठेले ताकु आपण मर्डर कर देबे तांकु मारि देबे आउ जो मृत्यु बरण कले आम दुई जन संग्रामी नेता से एफआईआर रे कहा ना आसी आईन मंत्री ना ल मिनिस्टर ना आसो जो प्रदेश में ल मिनिस्टर संतृप्त रही हत्यारे आटा आम कहूनु यहाँ एफआईआर कौच आपण कहतु से राज्य में आईन व्यवस्था केमती बनिक रे राज्य आईन व्यवस्था बरकरार केमती रही आउ ये दृश्य देखु हत्या षड्यंत्र भाई संगीन अभियोग आसवा पर केमी मंत्री प्रताप जेना समर्थन में बाहरी शोभायात्रा आउ ए सामिल होती बीजेडी एकाधिक कर्मी निज निर्वाचन मंडल रे एभले शोभायात्रा को सुरक्षा पाई बरादी मिली बोली कहिसेंति विरोधी तबे मंत्री प्रताप जेना पीए बापे विश्वाल व तांकर ड्राइवर को मोबाइल कॉल जांच करबा को कांग्रेस दाबी करछि 10/1/2021 सुधा तउ दुई जनकर फोन आपणकर तांकर पीए
ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ଯିଏ ମିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସେତିକ ଖାଲି ଆଣିକି ଯଦି କଲ୍ ଡାଇରୀ ନେବେ ତାହେଲେ ବହୁ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚିନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମାୟାଙ୍ଗା ସାରା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଲୁଚିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫାଟା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବ ଆ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ନୈତିକତା ଅଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିରବତା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ समय सारी बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर पर देखुंतु अर्गस न्यूज नमस्कार।